पानीपत जिले के समालखा कस्बे में कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल मामला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का है, जब समालखा में 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोग एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थान के अंदर घुस गए और झंडा फहराने की कोशिश की। इसके बाद तनाव का माहौल बन गया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिखता है कि कुछ युवकों का ग्रुप हाथों में डंडे लिए दिख रहा है। इसके अलावा वे तिरंगा और धार्मिक झंडे भी लिए दिख रहे हैं। वीडियो के मुताबिक ये लोग बाइक से तिरंगा रैली निकालते हैं और इसी दौरान सराय मोहल्ला में स्थित धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग अचानक अंदर घुस जाते हैं। मौके पर मौजूद मोहम्मद हारून ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ युवक अंदर घुस गए और झंडा लगाने की बात कहने लगे, जिस पर उन्होंने कहा कि यहाँ तो पहले से ही तिरंगा लगा हुआ है, अगर फिर भी आप तिरंगा लगाना चाहते हैं तो कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन युवक दूसरा झंडा लगाने की बात भी कहने लगे, जिसे उन्होंने लगाने से मना कर दिया। फिर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो युवक वहां से चले जाते हैं। ये तो हम तो आराम से बैठे थे, बिल्कुल कती बस उड़दंगबाजी वाले आ गए एकदम कती, बिल्कुल हमें पता ही नहीं लगा किस टाइम आए किस टाइम नहीं। जब वो आए तो हमें पुलिस को फोन किया, पुलिस उसके 10-5 मिनट बाद आएगी और वो अंदर मस्जिद में भी घुसने लगे, तो हमने मना करा भाई मस्जिद में नहीं घुसो। उसके बावजूद 5-4 लड़के घुस गए और जूते सुधा मस्जिद में चले गए। वो कहने लगे झंडा मका भाई झंडा मारा, यहाँ 3 लग रहे और एक झंडा दूसरा भी था, मकई दूसरा झंडा तो बिल्कुल नहीं भाई, हिंदुस्तान का झंडा है दूसरा जो तिरंगा झंडा है, इसने तो हमारे सिर पर लगा था, तो इससे इससे तो बिल्कुल कोई एतराज नहीं। हम तो इसको मान लो बनाने वाले हम ही हैं, इसको ये झंडा भी तैयार सुरैया ने बनाया था जनाब। जी जी जी, अब इन लोगों ने झंडा कहाँ से बनाया, किस तरह बनाया, किसे? तो पुलिस को कंप्लेंट की है, पुलिस को कंप्लेंट कर रखी जी, उससे 14 तारीख में कंप्लेंट कर रखी हमें डीएसपी साहब को। अच्छा जी जी, मकाम में झगड़े का अंदेशा है और कल भी किया। कल भी जी, तो क्या क्या पुलिस ने? पुलिस ने आश्वासन दिया जी, आज फिर मिलेंगे पुलिस को, अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं जी। कल कंप्लेंट आई थी हमारे पास, कुछ शरारती तत्वों ने या कोई हरकत की होगी, तो उसमें इमाम साहब से मिलने आए थे, उनसे बातचीत करने आए थे और इसलिए आए थे। इसमें कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई करेंगे, जो भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो भी कानून के कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ है? नहीं भाई टाइम कोई नहीं है, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, उसके आधार पर जो भी मुनासिब कार्रवाई करेंगे, देखेंगे उसमें क्या अपराध है क्या। एक दिन पहले आप संज्ञान में ला दिया गया था, उसके बाद उसका इंतजाम कर रखा था, या दो होमगार्ड यहाँ पुलिस थी और जब भी शिकायत मिली, शिकायत मिलते ही पूरी पुलिस मौके पर पहुँच गई थी। और कोई भी यहाँ ऐसी घटना जो सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें कोई मार पिटाई या कोई ऐसी घटना तो होगी नहीं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।